तैयारियां करनी पड़ेगी, चीजें करना पड़ेगा। प्लस अभी हमने शॉपिंग क्या लगता था जाम और इधर का ट्रैफिक रोक सकते आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, वो आदिवासी लोग कहीं अफगान टाइम के आए हुए हैं। आप इलेक्ट्रिक या सीएनजी पे इलेक्ट्रिक को प्रमोट करने वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की सवारी हमारी निकली है दिल्ली की तरफ। एक्चुअली आपको मैं बताऊं तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो रिसेंट ट्रिप हमने राजस्थान के लिए किया था जयपुर के बाद हम लोग एक और जगह अच्छा खासा 2 वीक स्पेंड किया था। बहुत सारी ट्रैवल की थी, बहुत सारी जगहें देखी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगहें देखी थी जो हम लोग आप लोगों को भी शेयर करना चाहते थे आप लोगों के साथ, ताकि अगर आप लोगों को जाना है कहीं पे घूमने फिरने और अच्छी जगह की तलाश है तो एक जगह हम लोग भी दिखाना चाहते थे, पर किसी कारणवश मेरे से वो डिलीट हो गया। सो परमानेंट डिलीट हो गया सिस्टम से। तो अभी मेन हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लेस करके एक जगह है दिल्ली में, जहाँ पे सिस्टम्स का मेनली कंप्यूटर का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे, तो जो कि हमें अरुण अंकल ने ही रेकमेंड किया, हमको लगा था कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अरुण अंकल भी हमारे सहपाठी हैं। आज हमारे साथ अंकल भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो अंकल, एक तो आपको हमने पहले ही बता रखा है बहुत हेल्पफुल है, तो उन्होंने बोला है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं भी बात कर लेता हूँ कुछ, क्योंकि अंकल वहीं के हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए भी चीज़ें हैंडल करना। तो मैंने बोला क्यों नहीं अंकल, एक और साथी रहे तो हाँ, क्या बात है, ज़्यादा बेटर है। और अंकल का जितना एक्सपीरियंस, अंकल का जितना नॉलेज है तो वो हमारे भी काम आ जाएगा राइट, जहाँ के आप नहीं हो, जहाँ बारे में नहीं जानते हो, कोई जानने वाला रहे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़्यादा अच्छा बेटर एक्सपीरियंस सीखने को भी मिलती है काफ़ी चीज़ें। और एक तो ये है कि अभी दिल्ली हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, तो मेनली हमारा फोकस यही है कि डेटा एक्सट्रैक्ट हमारा किया जो जाए। डेटा हार्ड ड्राइव में बचा है अगर बैकग्राउंड में, तो उसमें से कितना हमें मिल पाता है, तो बस उसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और धीरे धीरे आप अभी रास्ते में बहुत टाइम है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी पहुंचे नहीं है, तो अभी जस्ट स्टार्ट किया, तो आप लोगों से रास्ते पे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो बने रहो। 4 घंटे लगने हैं तो बने रहो, तो मिलते हैं आपको थोड़े टाइम पे। कि एक दो हफ्ते बाद मेरे भाई की शादी, मुझे भी तैयारियां करनी पड़ेगी, चीजों में करना पड़ेगा, प्लस अभी हमने शॉपिंग भी इतना इतना ट्रैवल कर चुका है मैंने, उसको भी मैं कैसे बोलूं, तो मेरे को गालियां दे रहा था वो, तो मैंने बोला चल आगे देखेंगे, शादी ही कर रहा है, खुश रहे, आगे मिलेंगे लाइफ। दोनों तो उधर ही मिलते हैं, रास्ते मिलना वही है, ये पुराना रास्ता है जिसको खुले 2 साल हुए हैं ओनली, ठीक है, दिस यूज्ड टू बी ओल्ड रास्ता, और इसमें 2 मंदिर है, एक तो भैरव का एक मंदिर आएगा अभी और एक घाट काली मंदिर है जो कि नई गाड़ी लेता है और शादी होती है नई, वो यहाँ पे जरूर। सामने एक ब्रिज भी आएगा ना, अभी तो काफी आगे एक ही गाड़ी जा सकती है। हाँ हाँ हाँ, तो पहले ये पुराना रास्ता मानते हैं इसको, और 2 साल पहले तक यही था, 3-4 बजे के आसपास यहाँ पे आएंगे। वो सीजनल रिवर है ना, जो आई गेस बरसात के टाइम पे। हाँ हाँ, तो सारी सीजनल है। में एक आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, आदिवासी लोग कहीं अफगान टाइम के आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। और उनका मेन जो बिजनेस है ना रोजी रोटी, वो है डेयरी दूध। अच्छा। ठीक है,
तो वो भैंस वैस रखते हैं और फिर यहाँ से वो देहरादून या कहीं और ले जाके अपना दूध बेचते हैं। उनका वो सब चेंज हो चुका है, क्या कहते हैं डीएनए जेंट्री सब, तो अब तो उनके पास लाइट नहीं है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ये मिलेगा आपके पास क्या कहते हैं मोटरसाइकिल वगैरह बस। और पक्का घर नहीं है उनके पास कोई भी, झोपड़े में घास फूस के उसमें बना के रहते हैं अभी भी ये अभी हाँ ये देख रहा है, देख रहे हो आप, और ये नीचे तक ऐसे ही मिलेंगे। ये अंग्रेजों ने बसाए थे, अंग्रेजों के लड़ाके थे ये, ठीक है, ये अफगानी लोग को बुला के साथ ही साथ थोड़ी हिस्ट्री भी जानते हुए चलते हैं। मैं भी मैं मतलब ये मेरा मैं यू नो मैं कोई इतिहासकार तो हूँ नहीं, बट जो मेरे को जानकारी मिली जैसे जैसे मैं ट्रेवल करता हूँ कभी बस में कभी ट्रेन में या कभी अपनी गाड़ी से, तो जो लोग बताते हैं पुराने लोग उन्हीं की बातें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब मेनली जो पशुपालन है और दूध का बिजनेस करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं मोहंड का जंगल। वैसे अफगानियों का तो बहुत लोगों ने यूज कर रखा है बेसिकली, ये लाइक बोलते हैं ना कहाँ से आए हुए हैं, तो ये अफगानी लोग हैं। तो ये देखो कितने केटल्स हैं, ये सब इन्हीं के। लोग कह रहे थे भाई आगे रास्ता जाम है। अच्छा बीच में एक जगह रोड थोड़ी गहरी थी तो वहाँ से ओवरफ्लो हो रहा था रोड पे ना, बहुत तेज पानी, हमने सोचा जाए ना जाए, उस टाइम में हमारे पास गाड़ी थी नई बिल्कुल शोरूम से निकाल के स्विफ्ट निकाल के लेके आए थे, ठीक है, तो हमने कहा लेट सी चलते हैं। मैं था, मेरा छोटा भाई था और एक फ्रेंड था, 4 घंटे हम इसमें फंसे रहे। और आपको एक वो बताता हूँ, ये लोग ब्रिज बना रहे हैं क्या, पता नहीं अभी कुछ शुरू कर दिया, नहीं खनन नहीं, अच्छा से बजरी का, हाँ या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया हो जो एलिवेटेड बनना है ना रो सड़क जंगल को डिस्टर्ब करते हैं, हाँ, हाँ, उसके लिए भी हो सकता है। बहुत जगह है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसा जो यहाँ का मटेरियल यहीं पे यूज करेंगे ना, सस्ता भी पड़ेगा, प्लस वो भी आता ना कि जंगल के बीच में से जाते हैं दोनों को खतरा, जानवर को भी इंसान को भी करोगे जंगल।